नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। संसद में अडानी पर दिए भाषण के अंश हटे तो बिफरे राहुल गांधी, मीडिया से पूछा मेरे शब्द क्यों हटाए गए। अब शब्द इस्तेमाल करने पर बोली महुआ मोइत्रा, कहा माफी नहीं मांगूंगी, बंदर की तरह उछल रहे हैं बीजेपी सांसद। ۲۰۲۲ में भारत आए 61.9 लाख विदेशी पर्यटक, G20 पर्यटन समूह की बैठक में जी किशन रेड्डी ने दी जानकारी। ओडिशा के मंत्री हत्या के आरोपी गोपाल दास को 13 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। कोयला घोटाला में कोलकाता के गजराज समूह पर ईडी का शिकंजा, लगभग 1 करोड़ नकद बरामद। टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों के मुख्य क्षेत्र में निर्माण पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने सफारी बनारे पर एनटीसीए को भेजा नोटिस। मेघालय में चार बतारा पारा गांव में टीएमसी और एनपीपी समर्थकों के बीच झड़प, एक पक्ष के घर पर की गई पत्थरबाजी। पीएम मोदी पर अमर अब्दुल्ला ने कसा तंज, बोली निर्वाचित सरकार बनाने से इनकार किया जाता है। संसद में रामदास आठवाली की कविता, बोली राहुल गांधी की दाढ़ी देशवासियों की नाड़ी, कांग्रेस की गाड़ी मोदी की मजबूत बॉडी। राम रहीम का ब्रह्मचार्य पालन का उपदेश, बोला डॉक्टर कहते हैं स्पर्म ओवरफ्लो हो जाता है, फिर बच्चों का क्यों नहीं होता। गुलाम नबी आजाद की सरकार की चेतावनी, बोले अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घर ना उजाड़े। केंद्र सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही, आतंकवाद नक्सलवाद से जुड़े लोगों का संपत्ति से मालिकाना हक हटेगा। बाल विवाह पर एक्शन को जमीयत उलमा हिंद का समर्थन, मदनी बोली सरकार का एक्शन निष्पक्ष दिखना चाहिए। पिघल रहे ग्लेशियरों से बनती झीलों आपदा ला सकती हैं, 4 देशों के 1.5 करोड़ लोगों पर खतरा, भारत में 30 लाख सदमे। छावला रेप केस फैसले का रिव्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई सुनवाई करेंगे, 3 आरोपी बरी हुए थे, एक ने 89 दिन बाद हत्या की। G20 के लिए तैयार आगरा, पहली बैठक आगरा में, 10 पॉइंट पर बच्चे करेंगे डेलीगेट्स का वेलकम, ब्रज कलाकार प्रस्तुति देंगे। नोएडा में रोडवेज बस ने 7 को रौंदा, 4 की मौके पर मौत, ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट छूटने के बाद घर जा रहे थे सभी। प्रयागराज का राम नाम बैंक, यहां आध्यात्मिक अकाउंट खुलता है, रुपए नहीं यहां जमा होता है राम नाम। बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को हाईकोर्ट का नोटिस, तथ्य छिपाकर जमानत अर्जी लगाने पर याचिका निरस्त। डेढ़ साल की बच्ची से रेप में दादा अरेस्ट, गाजियाबाद में ऑटो चलाता है
59 साल का दादा बेटे ने दुष्कर्म करते हुए पकड़ा। मंत्री नंदी का अखिलेश पर तंज, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं, सपा जनता के पैसे सैफई महोत्सव में कराती थी यूज। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह के सर्वे पर पहले सुनवाई या दावे की पोषणीय पर 16 फरवरी को सुना सकती है फैसला। गाजियाबाद में सीसीटीवी से होगी निगरानी, 100 सीसीटीवी लगाए गए, यहां वहां कूड़ा फेंकने वालों का चालान होगा। बहराइच में फंदे पर लटका मिला वृद्ध महिला का शव, मृतका की हुई थी 2 शादियां, घर में बिखरा पड़ा मिला सामान। सोनभद्र में रेहंद जलाशय में डूबा छात्र, गोताखोरों ने 2 घंटे बाद बाहर निकाला शव, दोस्तों के साथ नहाने गया था। हापुड़ में अफसरों ने कसी कमर, यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी नकल विहीन, जिले में देंगे 29,793 छात्र परीक्षा। अयोध्या में दबंगों ने युवक पर झोंका फायर, हालत गंभीर, पीड़ित ने पत्नी पर लगाया आरोप, 10 साल पहले की थी कोर्ट मैरिज। पुलिस की पीआरवी वैन ने बाइक में मारी टक्कर, युवक की बाइक क्षतिग्रस्त, पैर में भी आई चोट, हमीरपुर में फेरी लगाने निकला था। घरेलू कचरे से 72 घंटे बना 70 टन कोयला, वाराणसी में रमना प्लांट का ट्रायल सफल, अब रोज बनेगा 200 टन कोयला। इलाज कराने गई किशोरी से डॉक्टर ने की छेड़खानी, झोला छाप, डॉक्टर से दवा लेने गई थी, मुकदमा दर्ज, डॉक्टर फरार। बिजनौर भाजपा नेता प्रिंस चौधरी के घर नोटिस, जसपा 25,000 का इनाम घोषित, नेता के काफिले ने मेरठ में स्कूटी सवारों को रौंदा था। मेरठ की बारात में घुसी बेकाबू कार, 3 की मौत, बारात चल रही थी, डीजे पर डांस हो रहा था, मरने वालों में दूल्हे के 2 भाई। प्रेमी सहित 4 लोगों के खिलाफ हत्या का अभियोग दर्ज, हरदोई में सरसों के खेत में मिला था शव। बिजनौर में ट्रैक्टर ट्राली और कार में टक्कर, ट्राली पलटने से 2 दर्जन लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। बरेली में दरोगा ने महिला को छत से फेंका, डीआईजी ने सीओ को सौंपी जांच, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। लॉकअप से फरार आरोपी 12 घंटे में गिरफ्तार, आजमगढ़ में उल्टी करने को कहकर सिपाही को धक्का देकर फरार हुआ था। संभल में सड़क हादसे में किसान की मौत, खेत से लौट रहा था घर, पुलिस बोली पीएम के लिए भेजा गया था शव। बेटी की हत्या करने वाली बाप का कबूलनामा, उसकी पर्स में प्रेगनेंसी किट, कोख में किसी की संतान, इसलिए मार दिया। शादी से चंद घंटे पहले लापता हुआ युवक मिला, बरेली की प्रेमिका से की कोर्ट मैरिज, छोटे भाई से हुई पहली लड़की की शादी। महाशिवरात्रि से पहले शहर में सुरक्षा कड़ी, शाम होते ही सड़क पर उतरी फोर्स, एडीजे और डीआईजी ने किया पैदल मार्च। गोरखपुर
में 9 साल की बच्ची से रेप, घर में अकेली पाकर घुस गया पड़ोसी, पानी मांगने के बहाने कर डाला रेप, बच्ची की हालत नाजुक। प्रेमिका के मंगेतर पर फेंका तेजाब, बोला मैं उससे प्यार करता हूं, किसी और की हो जाए ये देख नहीं सकता। एसआईबी की छापेमारी में करोड़ों का माल जब्त, दिल्ली की फर्म के नाम पर तैयार हो रहा था माल। कार के नंबर पर चल रही स्कूल बस मथुरा में फर्जी नंबर प्लेट का पुलिस और परिवहन विभाग जांच में जुटा। राजस्व कार्यों की डीएम ने की समीक्षा, आजमगढ़ में आरसी की वसूली करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। लोकसभा और नगर निकाय चुनाव से पहले हरीश रावत ने दी प्रीतम सिंह से मुलाकात की है गरमाई उत्तराखंड की राजनीति। मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी के 3 रिपोर्ट, डंप निर्माण के मानकों पर जमकर होती है हिला हवाई। उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में छाए रहेंगे बादल, कई जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड में बेखौफ खनन माफिया, वन निगम ने अफसर की गाड़ी पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की है, बाल बाल बचे अधिकारी। उत्तराखंड में सास के साथ दामाद ने की दरिंदगी, घर में घुस कर किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। उत्तराखंड में चीन सीमा से लगी दारमा घाटी के दरगाह में बिना बारिश और हिमपात से हो रहा भूस्खलन, गांव के हालत जोशीमठ जैसी। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस टीम की छापेमार कार्रवाई में खनन कार्यों की घेराबंदी, दो ट्रैक्टर ट्राली सीज किए गए। उत्तराखंड के नैनीताल में ढहाई गई 3 मंजिला इमारत, नोटिस मिलने के बावजूद चल रहा था निर्माण काम। उत्तराखंड में बनेंगे ग्रीन सोलर पैनल प्लांट, लगाने से राज्य में सोलर ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा। अंकिता हत्याकांड के आरोपियों की मर्जी के बगैर नॉर्को टेस्ट की तैयारी, हाईकोर्ट में कसाब श्रद्धा केस की नजीर देगी पुलिस। देहरादून में स्पा सेंटरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, कैमरे खराब नहीं दिख रहे हैं रिकॉर्ड, 61 कराए गए बंद, 32 के हुए चालान। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले के आरोपी हाकम की जमानत याचिका सुनवाई, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड में भानियावाला ऋषिकेश फोरलेन के लिए 1000 करोड़ रुपए जारी, सीएम थामी ने जताया केंद्र का आभार। उत्तराखंड के रामनगर ढेला में नहीं बनेगी टाइगर सफारी, सुप्रीम कोर्ट ने नए निर्माण कार्यों पर लगाई रोक। कंपनी के काम से तुर्की गया उत्तराखंड का युवक, भूकंप के बाद से लापता, परिजन परेशान है। विनाशकारी भूकंप की वजह से 5 से 6 मीटर खिसक गया है तुर्की, वैज्ञानिकों ने किया बड़ा दावा।
जोंग उन ने बेटी के साथ की सुरक्षा बलों से मुलाकात, सैन्य परेड की तैयारियों का लिया जायजा। एनएसए डोभाल ने काबुल में समावेशी सरकार का किया आह्वान, कहा भारत हमेशा अफगानों के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन का दावा, चीन ने कई देशों के मिलिट्री ठिकानों पर भेजी है जासूसी गुब्बारे। इस्लामाबाद में बंदूक दिखाकर गैंगरेप, पीड़िता को हजार रुपए देकर कहा ये घूमने का टाइम नहीं। तुर्की सीरिया त्रासदी में 15,000 मौतें, सीरिया में 3,00,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर, तुर्की सरकार ने ट्विटर ब्लॉक किया। ब्रिटेन में सुनक की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का असर, वीजा का संकट, तो शरण मांगने वाले बढ़े भारतीय तीसरे नंबर पर। सरप्राइज विजिट पर यूके पहुंचे जेलेंस्की, ब्रिटिश संसद में बोले जंग में साथ देने के लिए शुक्रिया, किंग चार्ल्स से भी मिले। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के युवक ने एक्स गर्लफ्रेंड की कर दी थी हत्या, 2 साल बाद खुद कोर्ट में बताई वारदात की कहानी। बाइडेन की चीन को कड़ी चेतावनी, कहा हम टकराव नहीं चाहते लेकिन नुकसान पहुंचाए तो तगड़ा जवाब मिलेगा। ट्विटर ने भारत में ब्लू सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया, मोबाइल पर 900 रुपए महीना चुकाने होंगे, वेब यूजर्स के लिए 650 रुपए फीस। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में 2030 तक आएगी 5 करोड़ नौकरियां, 8 साल में 1 करोड़ को पार कर जाएंगी वाहनों की संख्या। शाओमी 13 प्रो 26 फरवरी को भारत में होगा लॉन्च, प्रीमियम में स्मार्टफोन से मिलेगा 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। OnePlus ने भारत में उतारा अपना सबसे पावरफुल स्मार्टफोन, 57,000 की शुरुआती कीमत में मिलेगा OnePlus। एटीएम से निकलेंगे सिक्के, यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड स्कैन करके निकाल सकेंगे पैसे, पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा आरबीआई। मोटोरोला ने लॉन्च किया स्मार्टफोन मोटो E13, इसकी कीमत 7,000 से भी कम, इसमें मिलेगा 6.5 इंच का HD डिस्प्ले। कई देशों में ट्विटर का सर्वर डाउन, यूजर्स को मैसेज मिला आप डेली लिमिट पार कर चुके। भारत पाकिस्तान के बीच 1.35 बिलियन डॉलर का हुआ व्यापार, सरकार ने दी जानकारी। डिज्नी से 7,000 कर्मचारियों की छटनी, कंपनी के सीईओ बॉब इगर ने दी ये जानकारी। फोन पे से विदेशों में भी कर सकेंगे पेमेंट, ऐप में यूपीआई इंटरनेशनल एक्टिवेट करना होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट, मोहम्मद शमी ने लिया 400वां क्रिकेट, वार्नर को बोल्ड किया। सूर्य कुमार यादव और श्रीकर भारत समेत नागपुर में 3 क्रिकेटर्स का टेस्ट डेब्यू, 37 साल बाद 2 स्पिनर्स के साथ उतरा ऑस्ट्रेलिया।
सूर्य कुमार यादव के टेस्ट डेब्यू पर सचिन ने दी प्रतिक्रिया, का टेस्ट क्रिकेट अलग है लेकिन सूर्य कुमार यादव इस फॉर्मेट के लिए तैयार है। खेत में ट्रैक्टर से जुताई करते दिखे महेंद्र सिंह धोनी, वीडियो शेयर कर बोली कुछ नया सीखकर अच्छा लगा। सनराइजर्स हैदराबाद में दौड़ी खुशी की लहर, 13.25 करोड़ में खरीदे गए हैरी ब्रुक ने एक ओवर में जड़े 5 छक्के। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप पर ऑस्ट्रेलिया का दबदबा, टीम इंडिया पिछली रनर अप टूर्नामेंट कल से। मयंक अग्रवाल का रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में शतक, एमपी के खिलाफ अनुस्टूप सुदीप ने की 241 रन की पार्टनरशिप। साथ ही 11 जून के बीच ओवल में खेला जाएगा डब्ल्यूटीसी फाइनल, आईसीसी ने किया तारीखों का ऐलान, भारत ऑस्ट्रेलिया प्रबल दावेदार। पिच डॉक्टरिंग पर बोले रोहित, क्रिकेटर पर फोकस करें ना कि पिच पर, मैच खेलने वाले सभी प्लेयर टैलेंटेड। वसीम जाफर ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया पर साधा निशाना, बोले ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को यहां की पिच मंगल ग्रह की सतह से समान है। देवोलीना ने पति शहनवाज के साथ शेयर की फोटोज, ट्रोलर्स ने उड़ाए मजाक, बोले लंगूर के हाथ में अंगूर लग रहा है। सांसद डेरेक ओब्रायन ने पठान की तारीफ की, राज्यसभा में बोले जो हम न कर सके एक फिल्म ने कर दिखाया। फाल्के अवार्ड सेरेमनी शामिल होगा हिमाचल पुलिस का बैंड, हार्मनी ऑफ पाइंस को मिला प्रोग्राम का न्योता। तेरे नाम को डायरेक्ट करने वाले थे अनुराग कश्यप, बोले सलमान को दी थी सीने पर बाल उगाने की सलाह। करीना के वर्कआउट में बेटे जय बने पार्टनर, शेयर किया क्यूट वीडियो, यूजर्स बोले ये एक्सरसाइज वाकई में काफी मुश्किल है। विक्रम वेधा और भेड़िया के मेकर्स ने की चतुराई, नुकसान से उबरने के लिए नए जियो ऐप को बेस ये ओटीटी राइट्स। शादी के बाद पहली बार नजर आए सिद्धार्थ, कियारा हाथ में चूड़ा सिंदूर और मंगलसूत्र में नजर आए मिसेज मल्होत्रा। भारती सिंह ने बेटे से बुलवाना चाहा मम्मा, बच्चे ने फिर बुलाया पापा, मजाक के अंदाज में पति हर्ष ने शेयर किया वीडियो। सोशल मीडिया ट्रोलिंग से दुखी हुई जाह्नवी कपूर, बोली लोग कहते हैं मुझे एक्टिंग नहीं आती, नेपोटिज्म की प्रोडक्ट। सौम्या टंडन के साथ हुई थी छेड़खानी, बोली एक लड़के ने जबरदस्ती मेरी मांग में सिंदूर भरा, घटना से पूरी तरह डर गई थी। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।